अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी टीचर्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपके बुक के तमाम क्वेश्चन के सोल्यूशन, आपके पास पेपर के तमाम क्वेश्चन के सोल्यूशन और इवन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtutions.com, और जाइए फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपके बुक के लिहाज से चैप्टर 6 है एंड डेट इज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास जो है वो तीन किस्म के होते हैं। तो हमारे पास इस टॉपिक में हम लोग आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को आपके बुक के अंदर तीन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हम इस दफा पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, वो होगा हमारा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, डेट इज चेक्स। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बजाय हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपके साथ फाइल भी शेयर कर लेते हैं ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। या आपको सब चीजें जो है, जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप जाकर वहां पर ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली होते क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं? तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप कोई उधार पे काम कर रहे होते हैं, कोई क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं, कैश पे काम नहीं कर रहे होते। आप जो भी चीज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई चीज किसी से खरीद रहे हैं और आप उसी टाइम पे उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द थर्ड 1 इज चेक। ये तीन किस्म के हमारे पास क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए जो है हम अपनी क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो दो स्टार्टिंग के दो हैं ये, इनके लिए डिटेल में चैप्टर्स आपके पास आगे आपकी बुक में मौजूद हैं और मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर मैं इनके बारे में भी बताने बैठूंगा तो पूरी वीडियो जो है फिर इन्हीं के अंदर खत्म हो जाएगी। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चेक, तो हम आपको चेक के बारे में बताते हैं, बाकी दो के बारे में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा जी, चेक बेसिकली क्या होता है? चेक आपको बहुत ही कॉमन सा एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपने देखा होगा हर टाइम अपने पढ़ो के, अगर आपके खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं है तो अपने अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने किसी भी, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर जगह चेक्स के जरिए काम हो रहा होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको चेक दिया जाता है, ना कि कैश। आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो उसको जाके बैंक में जाके खुद ही उसका उसको विड्रॉ करवा लें। तो चेक की कुछ अलग अलग किस्म होती है, कुछ डिफरेंट काइंड्स होती है चेक की। तो वो आगे इसके बाद हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी काइंड्स होती है, किस किस किस्म के चेक्स आपको जो ड्रॉअर है आपको चेक दे सकता है। अच्छा, हमारे पास दो लोग होते हैं यहाँ पे, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई। जो ड्रॉअर होता है वो होता है जो चेक देता है, मतलब कि जो चेक इशू कर रहा है, और ड्रॉई वो होगा जिसको चेक दे मिला मिल रहा है और जो के कल को जाके बैंक में जाके वो चेक को कैश करवा सकता है, तो वो ड्रॉई कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी ड्रॉअर या ड्रॉई की वर्ड को इस्तेमाल करूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। असेंशियल्स ऑफ चेक, चेक की क्या खसूसियत होनी चाहिए, चेक में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है असेंशियल्स ऑफ चेक में आता है कि एक अच्छे चेक को या एक ऑथेंटिक चेक को आप किन चीजों पर जज करते हो, और अगर वो चीजें होंगी तो वो चेक को आप एक्सेप्टेबल होगा, वरना वो चेक एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब कि आप किसी ने चेक दे दिया, आपने उसके अंदर चीजें चेक नहीं की और जब आप बैंक में गए तो वो चेक जो है वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर इनकम्प्लीट डिटेल्स थी। तो जो चेक होता है वो इन ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, ना कि रिक्वेस्ट होनी चाहिए। मतलब कि जो चेक का मतलब ये होता है कि एक समझे कि एक पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है जो कि एक ऑर्डर दे रहा है कि इस बंदे को इतनी पेमेंट दे दो,
ठीक है। तो मतलब कि एक ऑर्डर चेक का दूसरा नाम ऑर्डर फॉर्म होता है, कि ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है जो कि एक ड्रॉअर जो है ड्राई को देता है उसकी ट्रांजेक्शन के बदले में, ठीक है। अगर उसने कोई चीज खरीदी है उसने, तो वो उसको चेक दे देगा। अगर उसने कोई उसका काम किया, उसके अगर कोई इम्प्लॉय है उसका, ठीक है, उसने उसके कंपनी में काम किया है, तो वो उसको चेक दे देगा। तो इट मीन्स कि ये एक तरह से बैंक को ऑर्डर होता है कि ये बंदे ने मेरे लिए ये काम किया है, तो मैं ये तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इस बंदे को ये पेमेंट कर, ठीक है। नंबर टू इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कि उसके पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जितने किस्म की टाइप्स हैं चेक की, आप उसी के अंदर महदूद है, रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा आप कोई भी उसके पर फर्दर जो है वो कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आप उस पर कंडीशन लगाते हैं तो चेक जो है वो अपनी जो एक ओरिजिनैलिटी है वो खो देता है, लीगैलिटी खो देता है। तो इट मीन्स कि वो चेक के कल को बाउंस होने के या रिजेक्ट होने या कैंसिल होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। नंबर थ्री इज इन रिटन फॉर्म। चेक के ऊपर हमेशा डिटेल्स प्रॉपरली होनी चाहिए, उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए कि जैसे कि अगले वाले में सर्टेन अमाउंट के रिटन फॉर्म होना चाहिए। आप उसमें ओरली नहीं बोल सकते, अगर वो ओरली होता तो फिर वो चेक नहीं होता, ठीक है। चेक का मतलब ही होता है कि आप खुद नहीं जा रहे बैंक में, आपने सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ चेक आपने बैंक को ये डिटेल्स दे दी है कि मैंने इस बंदे को, फला बंदे को इतनी अमाउंट का चेक दे रहा हूँ, ये मेरे साइन है, ठीक है, और इस बंदे को इन बेसिस पे आपने ये चेक को देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आगे है कि सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पर्सन, बेयरर और सेल्फ, या मस्ट बी साइंड या पेबल ऑन डिमांड, तो ये सारी चीजें जो है ये रिटन फॉर्म में चेक के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज के कॉलम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पे होता है कि जो है वो पे का होता है कि आप अगले बंदे को किस तरीके से पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस बंदे का नाम है, या आगे मैं बताता हूँ आपको कि पर्सन, बेयरर और सेल्फ क्या है, ठीक है। तो मतलब उस नाम होना चाहिए कि वो चेक किसको दे रहे हैं आप, ठीक है। उस पे अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। पेबल ऑन डिमांड मतलब कि किस किस्म से, किस तरीके से आप उसको पेमेंट देना चाह रहे हैं, क्या वो उसी टाइम कैश करवाएगा या कुछ टाइम के बाद कैश करवा सकता है, ठीक है। मस्ट बी साइंड, एक चेक के आगे फ्रंट पे साइन होता है और दो चेक के पीछे साइन होते हैं, और अगर ये दोनों तीनों साइन जो आपस में सिमिलर होने चाहिए, अगर इनमें आगे पीछे कोई साइन में प्रॉब्लम आता है तो आपका चेक जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है जब आप उसको कैश करवाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, अगर ये चीजें ठीक है तो आपके चेक जो है वो आराम से और आसानी से कैश हो जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको असेंशियल चेक बोलते हैं कि एक परफेक्ट चेक है, ऑथेंटिक चेक होता है। काइंड्स ऑफ चेक्स को हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, डेट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो बेसिकली समझे कि एक ये तीन किस्म के चेक होते हैं, इनको फर्दर जो है और जब आप एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे तो सेकेंडरी काइंड्स में आ जाएगा। तो ये तीन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए सेकेंडरी को समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर वन है हमारे पास प्राइमरी काइंड में बेयरर चेक, नंबर टू है ऑर्डर चेक, एंड नंबर थ्री इज क्रॉस चेक। अच्छा, बेयरर चेक क्या होता है कि ये एक ऐसा चेक होता है, बहुत कॉमनली यूज चेक होता है, और ये ज्यादातर तब चेक की पेमेंट की जाती है जब आप बहुत ज्यादा लोगों को पेमेंट कर रहे होते हैं, और इस पे आप पे के बाद आप लिख देते हैं कैश, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसको कोई भी बंदा जाके कैश करवा सकता है, ठीक है। आपने किसी की हेल्प के लिए, किसी को फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे गए, आपने वहां पे बोला कि मैं इतने लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और आपने सबको 10-10 हज़ार रुपए का चेक बना के दे दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप वो बेयरर चेक बनाएंगे। इट मीन्स कि वो जिन जिन लोगों को मिलेगा वो कोई भी जाके कैश काउंटर पे जाके उसको कैश करवा सकता है। उस पे कैश काउंटर पे जाके बैंक पे उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम्हें किसने चेक दिया, ये सारी चीजें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगी, कि ठीक है। बस वो कोई भी जाके वहां पे जाएगा, वो उसका CNIC लेंगे, ठीक है, बस देखेंगे कि हाँ वो ये चेक ठीक है, और उसको पेमेंट दे देंगे। मतलब कि उस बंदे के ऊपर कोई वेरिफिकेशन इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेयरर चेक होता है, इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है। इसके अंदर रिस्क इसलिए हाई होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चेक मिसप्लेस हो जाता है तो कोई भी आपकी जगह पे जाके वो चेक जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। इवन इसके अंदर फायदे भी ये भी होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद नहीं जा सकते कैश विड्रॉ वो चेक कैश करवाने के लिए, तो आप अपनी जगह किसी और को भी भेज सकते हैं, वो आपके जाके उस चेक को जो है वो विड्रॉ करवा सकता है।
नंबर टू, ऑर्डर चेक इसमें आप थोड़े नहीं करवा सकते, इसके अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डर चेक, इसके अंदर स्पेसिफिकली उस बंदे का नाम लिखा होता है और सिर्फ वही बंदा जाके सिर्फ कैश करवा सकता है, उसी जब तक उस बंदे की डिटेल्स मैच नहीं करेंगी जिसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बैंक जो है उस बंदे को चेक चेक के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है कि असद को 10,000 रुपए का चेक मैंने बना के दिया, ठीक है, अमाउंट पे 10,000 रुपए लिखा हुआ है, ऊपर पे पे असद लिखा हुआ है, तो वो मेरा नाम चेक करेंगे कि असद है, और मेरा CNIC पे नाम चेक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो सिर्फ असद को चेक दे, असद को पेमेंट कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल असद की जगह पे कोई और बंदा चला जाता है, ठीक है, तो वो उसको पेमेंट नहीं देंगे। तो ये ज्यादातर कंपनीज बड़ी अमाउंट के लिए करती है, जब किसी को कोई अच्छी खासी अमाउंट दी गई हो, ठीक है, तो या सैलरीज के लिए किया जाता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल्स, आप सब लोग की डिटेल्स जो है कंपनी के पास मौजूद होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप नाम लिख देते हैं तो फिर बैंक उस टाइम पे एक छोटी सी वेरिफिकेशन करता है कंपनी के जरिए, क्योंकि कंपनी की डिटेल्स बैंक के पास भी मौजूद होती हैं, ठीक है, तो वो देखता है कि हाँ इस कंपनी के पास असद नाम का एक बंदा है, ठीक है, और असद मेरे पास जो खड़ा है ये वही असद है, ठीक है, तो वो वेरीफाई करके देखता है कि हाँ ये दोनों ना दोनों बंदे सेम हैं, तो फिर वो जो है हमें पेमेंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर थ्री हमारे पास क्रॉस चेक, ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म का चेक होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है एक चेक के जहां पर अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक चेक है, ठीक है, तो चेक के साइड पे जहाँ पे नाम लिखा होता है उसके साइड पे दो टिक्स लगे हुए होते हैं, दो क्रॉस के साथ, ठीक है, दो डायगनल लाइंस बनी हुई होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, और उसको फिर हम क्या करते हैं कि उसको पैरेलल नाम देते हैं, ठीक है। पैरेलल चेक्स को बेसिकली क्यों इसको क्रॉस चेक बोला जाता है, इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है, कि ये जो है ये स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम लिमिट दे दी गई हो उस पे, या स्पेसिफिक ब्रांच लिख दी गई हो, ये सिर्फ उसी ब्रांच में जाके आप जमा करवा सकते हैं, और इसके ये होता है कि क्रॉस चेक को आप कैश नहीं करवा सकते, ठीक है, आप जैसे बेयरर चेक और ऑर्डर चेक को आप कैश करवा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट पैसे चाहिए ऑन हैंड, आप जाएंगे चेक देंगे वो आपको पैसे दे देगा, लेकिन क्रॉस चेक को आप कैश नहीं करवा सकते, आप उसको पूरे चेक को ही जमा करवाना पड़ेगा बैंक में जाके। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है मिजान बैंक का आपको चेक मिला है, तो आप क्या करेंगे, आप जाके अपने अकाउंट में जाके वो मिजान बैंक का जाके चेक जो है जमा करवा देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो बंद आपको वो कैश नहीं देगा, बल्कि सिर्फ आपके अकाउंट में जो है वो चेक जो है वो डिपॉजिट करवा देगा, ठीक है, तो इट मींस कि फिर वो 24 आवर्स के बाद आपके बैंक में वो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ज्यादा प्रेफर करता है, तो इसलिए ये सेफ भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है इतने फ्रॉड के केसेस नहीं होते हैं, और ये काफी कंपनी इसलिए ये करती हैं क्योंकि इसके अंदर रिस्क काफी लो हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी काइंड्स, ये बेसिकली उन्हीं तीनों को मिला के ये चीजें बनी है कि हर किसी में इनकी कोई ना कोई खसूसियत मौजूद होगी, बेरर चेक की, ऑर्डर चेक की, या क्रॉस चेक की फैसिलिटीज इसके अंदर कहीं ना कहीं पे मौजूद होंगे। अच्छा, हमारा पे ऑर्डर और जो नीचे है बैंक ड्राफ्ट, ये काफी सेम होते हैं, ठीक है, इनको समझना जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो होता यह है कि जो पे ऑर्डर्स हैं ये सिर्फ नेशनल बेसिस पे, मतलब कि ये आपकी कोई पेमेंट करनी है, मैं ड्रॉअर हूँ, मुझे जो है एक बंदे को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं बैंक को ऑर्डर कर दूंगा कि इस बंदे को इतनी पेमेंट का इतने पैसों का जो है पे ऑर्डर बना के दे दो, ठीक है, और क्या होगा कि वो सिर्फ उसी क्या कहते हैं, सिर्फ वो उसी ब्रांच के अंदर से पेमेंट करवा सकते हैं, मतलब अगर वो HBL, उसका अकाउंट जो है वो HBL का है, ठीक है, तो अगर वो बोलेगा कि सिर्फ ये HBL से जाके पैसे निकलवा सकता है, तो सिर्फ पे ऑर्डर जो है वो HBL के, वो वहां पे ऑर्डर बन जाएगा सिर्फ HBL के लिए, ठीक है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता है, ये जो है ये आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में भी आपकी हेल्प करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर के आपके बाहर कोई लोग रहते हैं, ठीक है, जब आपको बाहर से कोई पेमेंट भेजना चाहते हैं, तो वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए जो है ये
आपको पेमेंट करेंगे। ये बिल्कुल चेक की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनकी जो शेप है वो चेक बुक नहीं होती है, ये पे ऑर्डर्स अलग किस्म के होते हैं, लेकिन इनको भी चेक में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये इनका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सेम चेक जैसा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कंफर्म चेक। कंफर्म चेक बेसिकली होता यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक टाइम के बाद का चेक दिया गया है, अगर वो जो है वो चेक जो है वो आज 1 तारीख है और वो 10 तारीख को जाके कैश होना है, तो आप इस दौरान जाके बैंक पे जाके जमा चेक करवा सकते हैं कि ये आइदर ये चेक जो है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आपको बैंक जो है वो कंफर्म कर देगा कि हाँ ये चेक जो है ये ऑथेंटिक है, ये बाउंस नहीं होगा। बाउंस बेसिकली चेक का ये मतलब होता है कि आपने उस बंदे ने आपको चेक तो बना के दे दिया, लेकिन उस बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और जब आप वहां पे चेक डिपॉजिट करवा जब कैश करवाने जाए तो आपको पता चलता है कि आपको तो चेक बाउंस हो गया, इस बंदे ने जो आपको चेक दिया उसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा लीगल मसले आ जाते हैं, तो ये फ्रॉड में आ जाता है। ठीक है, और फंसती वैसे दोनों पार्टीज है। ठीक है, ये अगर कल को अगर कोई टॉपिक आता है मैं आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें क्या मसले मसाइल होते हैं। तो ये चीजें होती है कि कंफर्म चेक जब आपको पता चल गया, इट मीन्स कि आपके लिए काफी ज्यादा रिलायबिलिटी हाई हो जाती है और आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ कि कल को मैं जब ये चेक डिपॉजिट करवाने मतलब विड्रॉ करवाने जाऊंगा तो मुझे पैसे आसानी से मिल जाएंगे और वो 10 दिन आपके लिए बड़े सुकून से गुजर जाएंगे। ओपन चेक क्या होता है? ये ओपन चेक बेसिकली समझे कि क्रॉस चेक का ही एडवांस वर्जन होता है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्रॉस चेक लेकर गया है बैंक में, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजन जो है आप उसको नहीं विड्रॉ करवा पा रहे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो ड्रॉअर जो है जिससे आपको चेक बना के दिया था क्रॉस चेक को, वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है तुम्हें इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, तो वो क्रॉस चेक को जब कैंसिल कर देता है वो कहता है ठीक है यार चलो इसको ओपन चेक कर देता हूँ। तो फिर क्या करता है कि जब वो ट्रांसफर करता है क्रॉस चेक को बेयरर चेक में, तो फिर उसको हम बोलते हैं ओपन चेक। इट मीन्स कि उसने उसको एक बेयरर चेक की तरह उसकी उसको ट्रांसफर कर दिया। ये बेयरर चेक नहीं होता, इसको ओपन चेक बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर फिर जो इसकी जो खसूसियात है वो बेयरर चेक की तरह की हो जाती है, मतलब कि जो एक कंडीशनल से अनकंडीशनल की तरफ चला गया उसको हम ओपन चेक बोलते हैं। मतलब कि ये इनिशियली स्टेज पे क्रॉस चेक होता है लेकिन ये बाद में बेयरर चेक बन जाता है, तो उसको हम ओपन चेक बोलते हैं। ठीक है जी। तो पे ऑर्डर भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बैंक ड्राफ्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज ये होती है इनमें कि पे ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ आपके अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की ट्रांजेक्शन करेगा, इसके अलावा वो आपको फैसिलिटी इंटरनेशनल नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको मिस नहीं करना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज और फर्दर आप एड ऑन करवाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे लिंक्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे वन वन सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपके सवालों के जवाब दे सकूं। स्टूडेंट्स तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा काइंड्स ऑफ क्रॉस चेक, जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको मिस नहीं करना है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।